हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल तुलसी मैथ क्रिएशन पर। गाइस, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाई हूँ। किसी भी नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, 12 से, 13 से अप टू 19 तक। तो गाइस, जैसा मुझे किसी नंबर को, मान लो मेरे पास 42 है, अब मुझे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 4 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 4 में 2 को ऐड करेंगे 6, और लास्ट डिजिट 2 एज इट इज़। ये आंसर आ गया हमारे पास। मान लो आपने 234 को 11 से करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2, फिर 2 में 3 ऐड करेंगे 5, फिर 3 में 4 ऐड करेंगे 7, और लास्ट का डिजिट एज इट इज़। ये आंसर आ गया। अगर आपको करनी है 4, 5, 6, 7 को 11 से, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4, फिर 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 5 में 6 ऐड करेंगे 11, तो ये 1 कैरी आ जाएगा, 6 में 7 ऐड करेंगे 13, 1 कैरी आ गया, और लास्ट का डिजिट ऐसे ही। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7, 3, 1 और 1, 2, 9 और 1, 10, 4 और 1, 5। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। इसी तरह से अगर इससे बड़ी वैल्यू है, मान लो 2, 4, 6, 9, 8, इसको 11 से करना है, तो आपका क्या आएगा, सबसे पहले 2, फिर 2 प्लस 4 क्या आएगा 6, 4 प्लस 6 क्या आएगा 10, 1 कैरी आ जाएगा, 6 प्लस 9 क्या आएगा 15, 1 कैरी आ जाएगा, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी आ जाएगा, और लास्ट का डिजिट एज इट इज़। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 8, 7, 6, 1, 7, 2। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। तो इसी तरह से गाइज, आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी ट्रिक है किसी भी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। अब आप 12 से किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपके पास दे दिया कोई भी नंबर, मान लो आपके पास 22 है, इसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला नंबर एज इट इज़ लिख देंगे 2। अब आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और फिर उसमें इस वाले नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, और ये 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। ये आंसर आ गया। दोबारा से बताती हूँ, जैसे आपने 13 है, इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये आंसर आ गया। अब मान लो आपके पास है 4 34, इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 एज इट इज़, फिर आपने क्या करना है, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, 2 4 जा 8, और इसको ऐड कर देना है, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, ठीक है। फिर इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 क्या आएगा 10, ये 1 कैरी। फिर इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 4 जा 8, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 8 0 2 5। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर इससे बड़ी वैल्यू है, मान लो आपके पास है 5 9 6 7, इसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी है, तो गाइज आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 5 एज इट इज़ लिखना है, फिर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 5 2 जा 10, 10 प्लस 9 19, 1 कैरी। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 18 प्लस 6 24, 2 कैरी। फिर इसको 2 से करेंगे, 6 2 जा 12, 12 प्लस 7 19, 1 कैरी। फिर इसको 2 से करेंगे, 7 2 जा 14, तो 1 कैरी। अब यहाँ से इन सबको ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 11, 5 6 7। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर, ठीक है। इसी तरह से अगर इससे बड़ा नंबर हो, जैसे आपको लिख दिया 2 4 6 7 8, ठीक है, इसको 12 से करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी। फिर इसको 2 से करेंगे, 6 2 जा 12, 12 प्लस 7 19, 1 कैरी। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 14 प्लस 8 22, 2 कैरी। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, ये 1 कैरी। तो यहाँ से आप टोटल करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 6 3 11 4 5 6 8 1 9 2। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। तो गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके पास इसी तरह से ट्रिक है किसी भी नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करने की। बस सेम प्रोसीजर करना है आपने, उसमें भी आपने क्या करना है, जैसे आपने इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई की है, ऐसे उसमें आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 44, इसको आपने 13 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, 4 एज इट इज़, फिर इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12,
प्लस फोर सिक्सटीन, वन कैरी, फिर इसको थ्री से करेंगे, फोर थ्री जा ट्वेल्व, वन कैरी, तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ से, टू सेवन फाइव, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं थ्री डिजिट नंबर लेती हूँ, मैंने ले लिया 352, इसको मुझे 13 से करनी है, थ्री एज इट इज़, पहले इसको थ्री से करूँगी, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस फाइव फोर्टीन, वन कैरी, फिर इसको थ्री से करूँगी, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस टू सेवेंटीन, वन कैरी, फिर इसको करूँगी थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स सेवन फाइव फोर। ठीक है, इसी तरह से गाइज आप 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 15, 16, तो ये ट्रिक आप 19 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।